बिहार सरकार के निर्देशानुसार वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत धुबहा स्थित सेंट जेवियर प्लस टू एकेडमी विद्यालय के प्रांगण में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आरा सदर एएसपी परिचय कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी सह धुबहा थाना प्रभारी अपूर्वा, मुखिया नेहा सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र सोलंकी के साथ विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं रहे। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं में सुनील आनंद, विजेंद्र कुमार, शाहीन प्रवीण, पंकज रघुवीर, वाल्मीकि सिंह, रमेश कुमार, पूजा कुमारी, एसके नवीन, कीर्ति कुमारी, दया शंकर कुमार के साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। वहीं एएसपी परिचय कुमार ने कहा कि वृक्षारोपण आज के समय बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से इस बार प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, ऐसे में वृक्ष लगाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। वहीं सेंट जेवियर प्लस टू एकेडमी के विद्यालयों के द्वारा छात्र छात्राओं के जन्मदिन के अवसर पर जो वृक्ष लगाने का पहल किया गया है, यह काफी सराहनीय है। वहीं एएसपी परिचय कुमार ने छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की और विद्यालय में चल रहे पठन पाठन के बारे में उनसे जानकारी हासिल किया, जहाँ छात्र छात्राओं ने एसपी द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब शानदार तरीके से दिया। मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि वृक्ष लगाना हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार गर्मी पड़ा, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और जिस प्रकार से यह बिहार सरकार का मुहिम है, यह काफी सराहनीय है। हर एक लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि आज हमारे विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया, यह काफी सराहनीय है। हम लोगों को काफी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय को चयन किया गया है और इस तरीके से भारी पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज के दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के सभी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए धुबहा में आया हूँ, सेंट जेवियर्स स्कूल में। और मेरा ये बोलना है कि वृक्षारोपण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में हमने जो गर्मी देखी है और जैसा जलवायु ये परिवर्तन हो रहा है, उसको देखते हुए वृक्षारोपण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृक्षारोपण से आपको मौसम सही होता है, बारिश होती है, छांव मिलते हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, और स्कूल में तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे भविष्य है, वो ये सब देखकर अच्छी बातें सीखेंगे और आगे जाकर वो भी वृक्षारोपण करेंगे, और इससे सिर्फ अपने कंट्री नहीं पूरे विश्व का भला होगा। सर, ये विद्यालय पहले से ही इस मुहिम को चलाते हुए आ रहा है, एक खासियत है सर, जो हर बच्चों के जन्मदिन पर इस वृक्षारोपण यहाँ पर। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं आशा करूँगा कि ये परंपरा चलती रहेगी। सर, बताया जाए, आज विद्यालय में पौधारोपण किया गया, क्या कहेंगे इस पौधारोपण को लेकर? हमारे विद्यालय में जो तो पौधारोपण का जो कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम में जो हैं आरा के जो हैं एएसपी सर आए हुए थे, साथ ही साथ हैं थाना अध्यक्ष जो हैं धोबहा की मैम आई हुई थी, उसके बाद मुखिया जी जो हैं आए हुए थे, और उनके होते हैं बहुत सारे होते हैं सहयोगी लोग भी आए हुए थे। जैसा कि सर आप लोग का स्कूल का एक टैगलाइन है, आपसे हो रही कम आओ लगाते हैं, तो कितना आप लोग पेड़ पौधों को प्रति आप बच्चों को? अभी जो होते हैं जो हम लोग का ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो हमारे स्कूल के होते हैं जो संस्थापक सर हैं, उन्हीं के बच्चे के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी, और उस समय से हम लोग प्रत्येक बच्चे को उसके बर्थडे पर एक प्लांट गिफ्ट करते हैं, और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमारे सेंट जेवियर जो हैं प्ले अकेडमी के जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने लगभग होते हैं 7,000 मतलब 7,000 होते हैं पौधों का वृक्षारोपण कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर हमारे स्कूल कैंपस में तो उनको बच्चे होते हैं बहुत उत्साहित होकर उनको होते हैं स्वागत भी किए, और बच्चे होते हैं जो भी सर ने क्वेश्चन उनसे होते हैं पूछा, उनसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए या बहुत सारे होते हैं ऐसे भी क्वेश्चन थे जो उनके आम जीवन से जुड़े हुए थे, पेड़ पौधे के बारे में पूछे कि पेड़ पौधों का महत्व क्या है, पेड़ पौधों का लाभ क्या है, तो बच्चों ने उसका बहुत ही सही ढंग से और सटीक ढंग से जवाब दिया, और जवाब देने के बाद वो जो सर थे बहुत खुश हुए बच्चों को देखकर, और उन्होंने कहा भी कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आप जो हैं सेंट जेवियर प्लस टू एकेडमी का नाम जो हैं रोशन करते रहिए। और मैं सुनील आनंद
एक शिक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। देखिए जिस तरह से ये मौसम अभी इसी साल हम लोग जितने हम लोग का उम्र हुआ इस साल जो मौसम गर्मी इतना है, तो इसे बचने के लिए और अपने बच्चे को अच्छा मौसम और शुद्ध हवा के लिए हम लोग को प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2-4 वृक्ष लगाना जरूरी है। और हम सभी ग्रामवासियों से पंचायत वासियों से हम निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चे को और अपने नाम पे कम से कम 1 वृक्ष लगाएं कि आगे भविष्य में हम लोग को बच्चे को शुद्ध हवा मिल सके। बच्चों को भी तो सीखने के लिए मिलेगा। और अभी हाल में हमने इतनी भीषण गर्मी देखी है, इसी से तो बचेंगे ना। बारिश भी होगी, छाया भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा। सर चला और इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह हो गया, इतने सारे पेड़ पौधे काट दिए गए तो और लगाना बहुत जरूरी है। अत्यधिक बात से कि बच्चों को सीखने को मिलेगा क्या इंपॉर्टेंस है कॉलेज का, ये सीखेंगे तब तो आगे जाके और भी लगाएंगे। ये तो होते रहना चाहिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया सर। आप सर हमारे स्कूल में स्कूल कैंपस में हमारे पूरे स्कूल फैमिली की तरफ से धन्यवाद सर। बिल्डिंग वगैरह भी अच्छी लग रही है। खेलते हैं कुछ आप लोग?
क्या खेलते हैं? स्पोर्ट्स पीरियड होता है उसमें क्या खेलते हैं आप लोग? क्रिकेट खेलते हैं। बताइए कि वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है अभी? कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में किसको हराया था? इंडिया। आप लोगों ने देखा था? यस सर। चलिए बढ़िया, खेल कूद भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। ठीक है मल्ला के, बढ़िया आप आप लोग भी वृक्षारोपण करते हैं? क्लास कब किया था आपने? किसने किया था? अभी मार्क्स लगाते हैं आप लोगों के पौधे पे पेड़ लगाया था आप सबने। वृक्षारोपण के क्या क्या फायदे हैं कौन बता सकता है? एक आदमी बताइए, कोई भी खड़े होगी मैडम जी। वृक्षारोपण के क्या क्या फायदे? सर उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और हमारे लिए फायदेमंद है। और क्या फायदे? और भी फायदे और की बता सकते हैं? बैठ जाइए, बहुत अच्छे। और की बता सकते हैं बताइए? सर उससे हमें फल मिलता है और मिट्टी का कटाव भी। बहुत बढ़िया। और बताइए, आप बताइए क्या बता सकते हैं बैठ जी? पेड़ से हमें छाया मिलती है। बहुत अच्छा, बताइए आप भी बताइए। सर लकड़ी मिलता है और हवा भी मिलता है, पौधे मिलते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाइए आप लोग। और जलवायु परिवर्तन का नाम सुना है आपने? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सर क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज?